चिराग से ना पूछो दीपक में तेल कितना है, सांसों से ना पूछो कि जीवन में खेल कितना है, और विजय जो अब हमारे बीच में नहीं है उनके परिजन से पूछो उनके जीवन में दुख और दर्द कितना है। यह घटना झाबुआ जिले के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र के समीप जो ओवरब्रिज है, कल देर शाम की घटना है। विजय नाम का एक शख्स जो कि ग्राम अगराल में रहता था, मेघनगर में स्थित पशुपति ऑर्गेनिक जो कत्था फैक्ट्री के नाम से यहाँ पर संचालित प्लांट है, सुबह 8 बजे जो है वो अपने घर से नौकरी के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम नौकरी पे जाते हैं, 8 बजे निकला था और दोपहर में एकाएक जब उसका फ़ोन बंद आया तो लगातार जो उनके परिजन, उन्होंने वापस कोशिश की कि विजय से बात हो सके। जब बात दूरभाष पर नहीं हो पाई तो उनके परिजन कत्था फैक्ट्री पहुँचे और वहाँ से पता लगा कि वो 12 बजे ही निकल चुका है। आसपास ढूंढने पर भी वही नहीं मिला, तो उनकी जो सूचना है परिजनों ने विजय की जो सूचना पुलिस को दी और शाम को ही उसका शव जो है पराके मिला। किस तरह की स्थिति है आइए, उनके परिजन काफ़ी गुस्साए हुए, कल थाने पे भी शव रख के हंगामा हुआ, अभी वर्तमान में पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। उनके जो भाई हैं उनसे जानते हैं क्या स्थिति है, पूरा क्या घटनाक्रम था। सर सुबह 8 बजे निकला था वो घर फैक्ट्री जाने के लिए, और वहाँ पे गया, वहाँ पे आया नहीं। हम लोगों ने इसको फ़ोन लगाया, ट्रैवल किया शाम को 1 बजे तक, पर उसका कोई फ़ोन आया नहीं वहाँ से। फिर हम लोग चिंता से गए फैक्ट्री में, पूछा वहाँ पे जाके हमने, वो बोल रहे फैक्ट्री वाले कि वो 12 बजे यहाँ से निकल गया। फिर भी हम आगे गए ढूंढे, फिर पुलिस थाने में गए, हमने रिपोर्ट लिखवाई, फिर लोकेशन ट्रेस हुई तो वहाँ पे उस लोकेशन पे गए, तब उनका शव हमें वहाँ पे मिला। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से शव आपने देखा होगा, तो क्या प्रतीत मर्डर ही लग रहा है सर? अच्छा, मर्डर लग रहा है, मर्डर करा हुआ है, मर्डर करा हुआ है, मर्डर। अच्छा, क्या मांग है? कल रात में आप गुस्सा है, जो पंचाल समाज के लोग थे नगर के, चाहिए कि हमें कैसे हुआ और क्यों हुआ, बस यही चाहिए पुलिस से, और जल्दी से जल्दी चाहिए हम लोग। पूर्व में भी लक्की पंचाल जो केस में भी यही हुआ, हमारे साथ समाज में आज ये दूसरा केस हो चुका है। तो लगातार इनकी मांग है कि उनको इंसाफ और न्याय बहुत जल्दी मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में है, आप जनपद सदस्य हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? ये जो भी घटनाएं हुई है ये आज आगे वाले इनके समाज के आगे भी हुई, ऐसी घटना आज हुई, तो ये चीज़ों को तो सद से सद कार्य किया जाए, अपने शासन से यही मेरी अपनी विनती है। और इनका जो भी सद से सद कार्रवाई करके, और जो कंपनी में जांच से हुआ वो पूरी जांच करके वो डिक्लेयर चीज़ें बताएं। एक वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, अगराल में निवास स्थान है उनका, क्या आपको लग रहा है, क्या घटनाक्रम में पूरा क्या लग रहा है आपको? सर ये मर्डर की घटना है पूरी तरह से। जब बॉडी देखी हम लोगों ने, हम शाम को सारे गांव में खबर हुई कि इस तरह से घटनाक्रम हो चुका है और मिल नहीं रहा है, तो हम सारे लोग आए, जब देखा यहाँ से खबर मिली कि बॉडी नाले के पास पड़ी हुई है, तो हम सब लोगों ने आके देखा तो उसको बहुत गहरा घाव था, शार्प कट जिसको बोलते लगा था, वो सीधा सीधा मर्डर की आशंका है कि मर्डर ही हुआ है। तो और इस तरह के घटनाक्रम कई समय से होते चले आ रहे हैं अपने ज़िले में, और अपने नगर में ही 2 इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। आज से 3 महीने पहले भी लक्की पंचाल नामक शख्स का कत्ल हो चुका था, और ये सेकंड दूसरा कत्ल हुआ है। तो हमारा ये निवेदन है कि श्रीमान पुलिस वाले से, शासन प्रशासन से, कि इस तरह की घटनाएं बार बार नहीं हो, और किसी भी तरह से सुरक्षा दी जाए। आज चलने लायक भी नहीं रहा इंसान, पैदल चलने वाले के लिए भी आज अपनी सांसें केस कब रुक जाएगी पता नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं अगली बार से नहीं हो, और पुलिस इस पर 363 अपहरण की घटना 302 का मामला बना के, और जल्दी से जल्दी उन आरोपियों को पकड़े, ताकि समाज में उनके प्रति पता चले सबको, और वो भी पुलिस का थोड़ा सा रोब हो, ताकि इस तरह की घटना अगली बार नहीं हो, इस तरह का घटनाक्रम अगली बार कारित ना हो। निश्चित रूप से यहाँ पे जो परिजन है उनका और ग्रामीण जन है उनका रोष देखा जा रहा है, और कड़ी कार्रवाई 302 में जो ये मामला बना के और सख्त कार्रवाई की जल्दी से जल्दी बात कर रहे हैं। विजय के परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं और क्या लग रहा है आपको, पूरी बात बताएं। हम 6 भाई और ये हमारे बड़े भाई थे सब, उनका लड़का था दूसरे नंबर का, और ये कंपनी में जा रहा था काम करने के लिए, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तो जब 12 बजे फ़ोन लगा है तो उसने उठाया नहीं, फिर कंपनी में गए, वहाँ तलाश करी तो बोले यहाँ से निकल गया है। फिर हमने 5 बजे तक इंतज़ार किया कुछ, फिर हम गए थाने में रिपोर्ट लिखवाई, फिर मालूम पड़ा कि वहाँ है यूँ। सर अभी 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और अभी 2 बच्चा है उसके, छोटे छोटे, सर छोटे छोटे बच्चे हो गए, वो अकेले हो गए अब।
प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ हो। लगता है उसके हाँ 10 मिनट तक मारपीट हुई, उसका पैर भी टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है, और कम से कम उसके साथ बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से उसके साथ मारपीट करके उसके ये हत्या की है उसके साथ। तो पूरा सीधे सीधे हत्या का मामला है, हत्या का केस बनाए पुलिस और जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करे, पकड़ के और उनको सजा दे दिलवाए। कुछ समय पहले ही विजय की शादी हुई है और यहाँ के लगातार लोगों का कहना है कि 2 छोटे बच्चे भी उसके हैं और इस तरह की घटना कारित ना हो उसके लिए पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेके ठोस कार्रवाई कर ले। लेकिन जो पीएम रिपोर्ट है उसमें सारी चीज़ों का खुलासा होगा, आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो विजय पिता नारायण जी है, 32 वर्ष उम्र है इनकी, इनको अभी पीएम किया गया है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इनकी हेड इंजरी है जो खुदाल या पावड़े से मारा गया है, इसमें सबसे पहले प्रथम दृष्टि ये है। और मारपीट प्रोबेबली की गई है क्योंकि जो कुछ चीज़ें हमने इंटरनल देखी है उसमें प्रथम दृष्टि में ये लगता है। शरीर में घाव जो है वो सबसे पहले जो घाव है वो हेड इंजरी में है, सबसे पहला घाव जो मेन कॉज हो सकता है मृत्यु का। और दूसरा जो घाव है वो छाती पे घाव है और कुछ घाव जो है दाहिनी थाई पे भी है जी। उसमें ये बात है कि जो सबसे मेन कॉज है वो हैंड इंजरी का है, ये सबसे प्रथम दृष्टि में हम बता सकते हैं अभी। तो उसके बाद जो आगे की जो है वो FSL रिपोर्ट से ही पूरी बात हम क्लियर कर सकते हैं। क्या माँ की ममता क्या जानो, प्यार निभाना क्या जानो, आग लगाना सीखे हो तो आग बुझाना क्या जानो। लक्की मर्डर केस के बाद अब विजय पंचाल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस कितनी जल्दी सुलझाती है ये देखने वाला विषय है। फिलहाल पंचाल समाज और ग्रामीण जन यहाँ पर गुस्साए हुए हैं, देखना इस गुत्थी को पुलिस कितनी जल्दी सुलझाती है। ये दुर्घटना है, आत्महत्या है या मर्डर केस, पुलिस इस पर पर्दा उठाएगी। फिलहाल SMS न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भूपेन के साथ नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।